आप जानते हैं पिछली कुछ में जो ऑफलाइन वीडियो क्लासेस हमारी थी उनमें हमने आपकी जो पोइट्री सेक्शन था उसे कम्प्लीट किया तो आज हम आ, उसके Uh, जो हम आपका शॉर्ट स्टोरी का सेक्शन है वो शुरू करने जा रहे हैं और पहली शॉर्ट स्टोरी जो है वो है द नेकलेस जिसे लिखा है गा द बसंत ने माउ बसंत वॉज ए फ्रेंच राइटर एंड वॉज कंसिडर वन ऑफ द फादर ऑफ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी ही वॉज बर्न फाइव अगस्त एटीन हंड्रेड फिफ्टी एंड डाइड सिक्स जुलाई एटीन हंड्रेड थ्री एज फार एज द शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस इज कंसर्न दिस स्टोरी Young lady called Matilda. Matilda is unhappy because she has been living a poor life. She has big dreams but no means to realize those dreams, which is the cause of her unhappiness. Matilda is invited to a grand party. She had a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then is really ironical. So let us read the story to know what happened with Matilda after that. शी वॉज वन ऑफ द दोज प्रिटी यंग लेडीज बर्न एज इफ थ्रू एन इर ऑफ डिस्टनी एन टू द फैमिली ऑफ ए क्लर्क ये मेटिलडा जो थी उन लेडीज में से एक थी जैसा जो ये समझती थी कि वो डिस्टनी की इर से इस मिडल क्लास फैमिली में पैदा हुई है शी हैड नो डावरी नो होप्स नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन उसके पास न तो कोई डावरीज थी ना होप्स थी ना उसके पास ऐसे जरिए थे जिससे वो फेमिलर हो सकती फेमस हो सकती लवर्ड एंड मैरिड बाई ए मैन आई द रिच और डिस्टिंक्श उसके पास ऐसे कोई जरिए नहीं थे जिनसे उसे कोई अमीर आदमी या डिस्टिंक्श आदमी उससे शादी करता या उससे चाहता एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पिटी पिटी क्लर्क इन ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन इसलिए उसने अपने आप को अलाउ किया कि वो एक पिटी ऑफिस क्लर्क से शादी कर ले जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का uh, क्लर्क था शी वॉज सिंपल बट शी वाज अनहेप्पी वो सिंपल थी लेकिन ना नाखुश थी शी सफर फीलिंग हर सेल बर्न फॉर ऑल डिज एंड लैक्शरीज वो लगातार सफर करती थी वो महसूस करती थी कि वो तमाम अच्छी किस्म की चीजों अच्छे खानों के लिए और ऐशो इशरत के लिए पैदा हुई है लेकिन यहां जो मिडिल क्लास लाइफ थी वो हमेशा उसे तंग करती थी उसकी वजह से ये सफर करती थी शी the फ्राम द her अपार्टमेंट वो अपने अपार्टमेंट की पॉवर्टी से सफर कर रही थी शेबी वॉल्स इन दॉ चेयर्स उसके घर की शेबी वॉल्स जो थी और फटी पुरानी कुर्सियां जो थी उनसे वो सफर कर रही थी ऑल दीज थिंग टॉर्चर्ड एंड ये तमाम चीजें उसे टॉर्चर भी करती थी और उसे एंगर गुस्सा भी दिलाती थी When she

इतना अच्छा खाना है आई नो नथिंग बेटर देन दैट इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर ऑफ शाइनिंग सिल्वर जबकि जो मेटिल्डा थी वो सोचती थी, थी किसके बारे में एलिगेंट डिनर में शाइनिंग के एक बहुत उमदा किस्म का डिनर हो और शाइन शाइनिंग सिल्वर बर्तनों में हो शी थॉट ऑफ फूड और वो दूसरे शानदार किस्म के खानों के बारे में सोचती थी, थी जो मिरावलिस जो अच्छे अच्छे डिशेज में सर्व किए जाते हैं

शी वे फॉर ओल्ड डे फॉर फ्रॉम डिसअपेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट फिर वो पूरे दिन डिसअपेयर और डिसअॉइंटमेंट में द्रोती वन इवनिंग हर हजबैंड एलिटेड बेरिंग इन हिज हैंड इन लॉर्ज इन वे लोप एक शाम को उसका हजबेंड जब घर वापस आया बड़ा खुश था वो उसके एक हाथ में एक बड़ा सा लफाफा था हेयर ही सैड हेयर इज समथिंग फॉर यू उसने कहा यह है आपके लिए कुछ है उसने आते ही अपनी बीवी से ऐलान किया कि आपके लिए कुछ मैं लाया हूं शी क्विकली ड्रीव आउट ए प्रिंटेड कार्ड उसने जल्दी जल्दी उस लफाफा खोला और वहाँ से एक प्रिंटेड कार्ड निकाला विच वेयर इंस्क्राइबडीज जिस पर ये लफज लिखे हुए थे घर मनिस्ट, में एक पार्टी थी उस पार्टी के इन्विटेशन को थी तो हस्बैंड ने सोचा था कि शायद मेरी बीवी इस पार्टी में जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश होगी तो इंस्टेड ऑफ बींग डाइटेड एज अर हजबेंड है इनवाटेशन स्पिटफुली अपॉन द टेबल मोर तो उसने खुश होने के बजाय उसने उस से फेंक दिया टेबल पर और कुछ धीमी आवाज में कुछ कहा कि आप क्या सोचती हो कि मैं इस कार्ड को क्या करूंगी बट माई डेयरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी उसने जवाब दिया हस्बैंड ने लाइक माई डेयरी मैंने सोचा ये आपको खुश करेगा यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड ए फाइन वन आप कभी बाहर नहीं गई और ये एक मौका है हमारे पास और बहुत अच्छा मौका है

एंड रिस्पॉन्डेड इन कॉम वॉइस और कॉम वॉइस में रिस्पॉन्ड किया बिल्कुल ठंडी आवाज में रिस्पॉन्ड किया व्पिंग हारमोइ करते हुए नथिंग ऑनली आई है उसने जवाब दिया कि मेरे पास ड्रेस नहीं है इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती गिव य्ड टू समली हुई इज बेटर फिटेड आउट दिन आई किसी ऐसे कोली को अपना ये कार्ड दे दो जो जिसकी बीवी मुझसे ज्यादा वहां पे फिट हो

फार विदाउट ब्रिंगिंग विद इट इन इमीडिएट रिफ्यूजल ताकि इमिडिएट रिफ्यूजल भी ना हो इंकार भी ना कर दे एकदम यानी उसने ऐसा सोचा कि कहीं ऐसा सब मैं न बता दूं जिससे एकदम ये इनकार कर दे एंड ए फ्राइट इन एक्सप्ले फ्राइट इन एंड एक्सक्लामेशन फ्राम द इकनॉमिकल क्लर्क फाइनली शी सैड इन ए हेजीटेटिंग वॉइस फाइनली उसने हेजीटेटिंग वॉइस में कहा आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट फोर हंड्रेड फ्रांसिस ऑट टू कवर इट फोर हंड्रेड फ्रांसिस कहा था वो थोड़ा उसका रंग चेंज हुआ फॉर ही टू बाय दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टी द नेक्स्ट समर उसने ये जो सम है ये बचा के रखा था गन खरीदने के लिए ताकि ये नेक्स्ट समर में हंटिंग पार्टी ज्वाइन कर सके अपने दोस्तों के साथ विद समूट लारक ऑन संडे जो संडे को लारक को शूट करने के लिए जाते थे Nevertheless, he answer, Very well, I give you 400 मैं आपको चार सौ फ्रांसिस दूंगा बट ट्राई टू है किस्म का ड्रेस खरीदने की डे ऑफ दोचेड एंड मैम वो दिन नजदीक आता गया पार्टी का दिन नजदीक आता गया और मैम लॉसल जो थी वो अब डिस्टर्बड एनेक्शियस दिखाई देती। Nevertheless, her dress was nearly ready. अगर उसका ड्रेस जो था, वो था। वो तैयार उसके हस्बैंड ने एक शाम को उससे कहा क्या मसला है आपको यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर टू और तीन दिनों से आपने स्ट्रेंज तरीके से बिहेव किया है नॉट टू हैव ए जीवल अब उसने रिस्पॉन्ड किया कि मैं आई एम वैक साइड में वैक साइड हूं कि मेरे पास मैं जीदा हूं कि मेरे पास जीवल्स नहीं है नथिंग टू अडर्न मुझे अपने आप को सजाने के लिए कुछ नहीं है आई शेल है वाली लुक होगी आई वु प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी तो मैं उस पार्टी में जाना प्रेफर नहीं करूंगी इससे अच्छा है कि इस लुक को लेकर उधर जाने से अच्छा है कि मैं वहां जाना प्रेफर ही ना करूंगा He replied, you can wear some तो इसके हस्बैंड ने रिप्लाई किया लुक वेरी ने जवाब दिया नहीं देर इज नथिंग मोर हिमलेटिंग शेबी एयर इन दिडेस्ट ऑफ रिच मूवमेंट तो इसने कहा कि इससे ज्यादा शेबी और क्या हो सकता है अमीर औरतों के दरम्यान में इस चेहरे को और इस किस्म की बन के जाऊंगी तो इससे ज्यादा शेबी और क्या हो सकता है out, कितने बेवकूफ हैं गो एंड फाइंड यूर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर जाओ और अपनी सहेली मैम फॉरेस्टर से मिलो एंड आसक हाउ टू लैंड यू यूर जीवल्स और उसे कहो कि वो आपको अपने जीवल्स दे दे a cry of joy. भी खुशी की, एक चीख निकली उसे भी इट इज ट्रू She said, उसने कहा बिल्कुल ये सही है आई हैड नॉट थॉट थॉट ऑफ दैट मैन इसके बारे में सोचा ही नहीं था द नेक्स्ट डे शी टूक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस दूसरे दिन वो अपने फ्रेंड के घर की अपनी सहेली के घर की और अपने डिस्ट्रेस की पूरी स्टोरी उसे सुनाई मैम फोरिस्टर वेंट टू हर क्लोज मैम फॉरिस्टर अपनी उस निजी कमरे में क्लोज में गई टुक आउट ए लार्ज जीवल केस और बड़ा लार्ज जी, बड़ा जीवल का केस निकाला ब्रॉट इट और उसे लाया खोला एंड सैड चूज माय डेयर और उसे कहा कि चुनो मेरी डेयर मेरी प्यारी अब चुनो इसमें से कौन सा आप चुनना चाहती हो चुनो शी सॉट फर्स्ट सम ब्रेसलेट देन कॉलर ऑफ पीरल्स पहले उसने कुछ ब्रेसलेट देखे फिर कॉलर ऑफ पीरल देखे देन काम हुआ था शी ट्राइड बिफोर द ग्लास उन जीवल्स को सके कि इन्हें ले लू ये छोड़ दू दे मोर फिर उसने उससे पूछा क्या आपके पास और नहीं है कुछ वाई येस लुक फॉर यूर सेल्फ आई डोंट नो वट विल प्लीज यू अब उसने कहा कि फिर आप खुद ही देख लो मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज आपको अच्छी लगेगी तो आप खुद ही देख लो सडनली शी डिस्कवर्ड इन ब्लैक में डायमंड अच्छा लगे जो ही उसे उसने बाहर निकाला शी प्लेस इट इट अबाउट हर थ्रोट अगेस्ट हर ड्रेस उसने अपने ड्रेस के अगेंस्ट इसे अपने गले पे रखा इन वाज एस टैटिक और वो बहुत खुश हुई दिन शी आस्केड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एनेक्सिटी कुड यू लैंड मी दिस ऑन दिस फिर उसने अब डरते डरते कहा क्या आप मुझे ये दे सकती हो सिर्फ ये वाई यस सटनली उसने कहा क्यों नहीं ले लो यकीनन शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड एम्ब्रेसड हर विद ए पेशेंट वो अपने फ्रेंड के गले से लगी एंड वेंट अवे विद हर ट्रेजर और अपनी उसकी ट्रेजर के साथ वहां से चलेंगे